मैं दीपा खुराना आपका स्वागत करती हूँ घर का खाना में। आज हम बनाएंगे चाट मसाला। वैसे तो ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन इसे घर में बनाना और भी आसान है। तो देखते हैं हमें इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए जीरा, अखी काली मिर्च, रॉक सॉल्ट, इसे काला नमक भी कहते हैं, सी सॉल्ट, इसे अखा नमक भी कहते हैं, फ्रेश पुदीना, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, हींग और जिंजर पाउडर। तो अब हम चाट मसाला बनाना शुरू करेंगे। गैस ऑन करेंगे, पैन लेंगे, 2 टेबलस्पून जीरा डालेंगे, जीरे को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम में ब्राउन होने तक भून लेंगे और ध्यान रखेंगे कि हमारा जीरा जले नहीं। हमारा जीरा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च को 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम काली मिर्च को भी निकाल लेंगे। एक चम्मच सी सॉल्ट डालेंगे, इसे ड्राई होने तक गर्म कर लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। सी सॉल्ट का मॉइस्चर निकल चुका है, अब हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, आधी चम्मच जिंजर पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए 30 सेकेंड तक भून लेंगे। 30 सेकेंड हो चुके हैं, अब हम इसे भी बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें फ्रेश पुदीना डालेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए इसका मॉइस्चर खत्म होने तक भून लेंगे। हमारे पुदीने का मॉइस्चर खत्म हो चुका है, अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब हम बाउल में 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम रॉक सॉल्ट लेंगे और इसे कूट लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच काला नमक डालेंगे, मिला लेंगे। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम जार लेंगे। अब हम मसालों को जार में डालेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमारा चाट मसाला बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारा चाट मसाला। आप इसे बनाकर एयरटाइट कंटेनर में भरकर यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।